कमिश्नर उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर आगरा रेल मंडल ने NSS दयालबाग इकाई के साथ मिलकर स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान चलाया। NSS के कार्यकर्ता बुधवार सुबह आगरा कैंट स्टेशन पहुंचे। पहले तो कैंट स्टेशन को स्वच्छ बनाया और उसके बाद कैंट स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक के किनारे भी कूड़ा मुक्त कराया। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक के किनारे वृक्षारोपण भी किया गया जिससे रेलवे ट्रैक के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी दिखाई न दे और पर्यावरण भी स्वच्छ बना सके। और साथ में है प्रोफेसर वी प्रेम प्रकाश और डॉक्टर ईशांत सिंगल जी। सर किस स्कूल से? ये हम लोग स्कूल से नहीं, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दयालबाग आगरा, ये यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट फंडेड, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। ये जो वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व जो होती है इस संस्था की, किसी भी संस्था की होती है, इंस्टीट्यूट की होती है, उसके तहत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी आने का उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मिशन एक चल रहा है, राष्ट्रीय अभियान चल रहा है स्वच्छता को लेकर के, क्लीन नेशन प्रोग्राम को लेकर के। तो रेलवे परिसर में, रेलवे के आसपास पटरी के बीच में जो खाली एरिया है जहां कुछ नहीं होता, वहां पे अभी हम लोग वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्र विकसित करना चाह रहे हैं और हरित क्षेत्र के विस्तार करने के लिए, ताकि वातावरण स्वच्छ रहे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास हम लोग काम कर रहे हैं, आगरा मंडल रेल प्रबंधक के और उनके अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फ्रॉम दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा, सो वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम अंडर नेशनल सर्विस स्कीम NSS, एंड हियर बेसिकली वी आर डूइंग प्लांटेशन फॉर यू नो द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन एयर, एंड यू नो वी आर डेवलपिंग ग्रीन बेल्ट ओवर यू नो अराउंड नेक्स्ट टू द रेलवे ट्रैक। So that is right.